वेलकम टू कर्मन को एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सलेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कर्मन को एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीएस पेपर 2 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंगली कुछ करंट अफेयर्स को पहले इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का एक न्यूज है, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में आखिर न्यूज क्या है? तो न्यूज ये है कि हाल ही में हरियाणा के हाई कोर्ट में हिंदी लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा घोषित कर दिया गया था, और इसी के कंटेक्स्ट में लॉयर्स लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर स्टेप को चैलेंज किया है। ठीक, फिर आखिर इशू क्या है? ये कंटेक्स्ट था न्यूज़ बनने का, तो इशू क्या है? तो हाल फिलहाल में एक कानून पास किया गया, एक अमेंडमेंट एक्ट जिसका नाम है हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 2020, और इसी के तहत हरियाणा के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज को यूज़ में लाया गया। इसे लॉयर्स लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री करके चैलेंज किया, कहा कि हिंदी को एज अ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ इन द लोअर कोर्ट करना कई प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। तो उन्होंने क्या अपना तर्क दिया है? उन्होंने कहा है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आज तक अगर पूरी दुनिया भर में अगर कहीं पर भी देखा जाए तो इंग्लिश को यूज़ किया जाता है एज अ लैंग्वेज ऑफ द लॉयर, और जो भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है वो अक्सर इंग्लिश में की गई है। तो अब आप अचानक सिर्फ हिंदी को कैसे रखेंगे? देखिए, याद करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोल हिंदी लैंग्वेज है, सोल लैंग्वेज बनाया है, मतलब दूसरे सारे लैंग्वेज को हटा दिया गया है। हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। तो इसे चैलेंज किया कि आप इंग्लिश को एक तरीके से कैसे साइडलाइन कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे लॉयर्स भी हैं जिनका हिंदी के ऊपर उतना अच्छा पकड़ नहीं है, वो उतने फ्लुएंट नहीं है हिंदी को लेकर। तो अगर आप हिंदी कंपलसरी मैंडेटरी और वन लैंग्वेज ही सोल लैंग्वेज बनाकर रखेंगे तो वो वकील जिनके पास हिंदी के ऊपर जिनका ज़्यादा पकड़ नहीं है उन्हें प्रॉब्लम होगा। याद करिए और समझिए कि जो हम जुडिशरी की पढ़ाई करते हैं या फिर जो लॉयर्स LLB और LLM की पढ़ाई करते हैं वो सारा का सारा इंग्लिश में वो स्टडीज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश में स्टडी करने के बाद हिंदी अगर उनको एक लैंग्वेज यूज़ करना होगा कोर्ट में तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। इन्होंने तीसरा अपना जो पॉइंट कंसर्न का दिया वो कहा कि इसके थ्रू वॉयलेशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी हो रहा है, हिंदी वाले लोगों को ज़्यादा फेवर मिलेगा, इंग्लिश वाले लोगों को फेवर ही नहीं मिलेगा, उन्हें एक तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनका जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन ऑफ देयर ओन चॉइस है उसे कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया जाएगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में ये मैंशनड है। इसके अलावा उनकी डिग्निटी और लाइवलीवुड के ऊपर भी इश्यू आएगा, तो इस तरीके से उन्हें प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने अपना तर्क दिया। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस कंटेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 348 क्लॉज 1, ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 348 क्लॉज 1 कहता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो इंग्लिश में होगा जब तक कि पार्लियामेंट उसमें कोई चेंजेस नहीं करता। यानी 348 क्लॉज 1 इंग्लिश लैंग्वेज को पहले प्रेफरेंस दे रहा है और कह रहा है कि जब तक कि पार्लियामेंट कोई चेंजेस नहीं करता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में। फिर 348 क्लॉज 2 कहता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट से यानी उनके परमिशन के बाद अगर चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज, एनी अदर जो भी कोई भी लैंग्वेज होगा उसे फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द स्टेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। भी अगर हाई कोर्ट का मेन प्रिंसिपल सीट अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में है तो हाई कोर्ट के भी प्रोसीडिंग्स में उस पर्टिकुलर न्यू लैंग्वेज हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज को लाया जा सकता है। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, जो फाइनल जजमेंट या डिग्री दिया जाएगा, जज द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो केवल और केवल इंग्लिश में होगा। ये आर्टिकल 348 क्लॉज 2 कहता है। अगर सेक्शन 7 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 देखेंगे तो ये कहता है कि यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज या अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट किया जा सकता है इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज अगर इफ मे बी ऑथराइज्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द गवर्नर। गवर्नर अगर चाहे
तो हिंदी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज को अलोंग विद इंग्लिश लैंग्वेज अलाउ कर सकता है कोर्ट में या फिर स्टेट के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में यूज़ होने के लिए, लेकिन गवर्नर को ऐसा करने से पहले प्रेसिडेंट के परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या हिंदी लैंग्वेज किसी भी कोर्ट में यूज़ नहीं होता है, क्या हरियाणा का कोर्ट पहला होगा? तो नहीं जी, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के हाई कोर्ट में और सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स में भी हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट में है, वो एडिशनल है, सोल लैंग्वेज नहीं है।